आपने मुझे अपनी बात आपके मंच के माध्यम से रखने का एक सुअवसर आज दिया। मैं आभारी हूँ आदरणीय इंदु शेखर जी तत्पुरुष साहब का, जो हमारे अजीज मित्र तो है ही हैं, लेकिन राजस्थान साहित्य अकादमी के आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और आपसे निरंतर स्नेह मिलता रहता है। आप ही ने देवेंद्र जी जोशी साहब का रेफरेंस दिया और आप बात यहाँ तक पहुँची और इस बात को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं अपनी जो रचना है वो मैं प्रस्तुत करूँगा। दो रचनाएँ, चूँकि आधे घंटे का समय शेड्यूल्ड है तो दो रचनाएँ मैं आप सबके सामने रखूँगा। मेरी जो पुस्तक है माँ से प्यारा नाम नहीं, इस पुस्तक से एक रचना है अफसोस स्वान नहीं इंसान हूं मैं। यानी कि मनुष्य इस बात का अफसोस कर रहा है कि मैं स्वान क्यों नहीं हूं, यानी कि काश मैं भी कुत्ता होता। ये आदमी देखिए ऐसी कल्पना ऐसी संवेदना क्यों अपने मन के भीतर लाता है। यह बहुत एक गहरा दर्द है। उस गहरे दर्द को जब आदमी जीता है तब ये कहता कि काश वो भी स्वान होता। तो स्वान क्यों होना चाहिए? आज के इस बदलते परिवेश में हम देखते हैं कि माता पिताओं की जो स्थितियां हैं, यहाँ तक कि जो धनाढ्य परिवार हैं, जो लोग करोड़पति है अरबपति है, उनके परिवारों में भी देखते हैं कि माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। और वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं यह एक बहुत ही चिंता का विषय है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर, समाज के नाते चिंता का विषय है, राष्ट्र के नाते चिंता का विषय है। तो इसी चिंतन को बयां करती हुई मेरी एक रचना है। रचना का शीर्षक है स्वान नहीं इंसान हूं मैं। स्वान को जो साहित्यकार बंधु है सभी समझते हैं, लेकिन जो मेरे कुछ नए मित्र हैं, युवा मित्र हैं, उनके लिए मैं खुलासा कर दूं। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। आमतौर पे कुत्ता शब्द को नकारात्मक शब्दों में भी लिया जाता है, लेकिन उसमें भी एक स्वामी भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। एनीवे, मैं अपनी रचना आपके सामने रख रहा हूँ। आकाश दोसा से नमस्ते। कि गांव से जब मैं शहर आया, मेरी तरह अधिकांश लोग आप में से ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे, कि गांव से जब मैं शहर आया तो नज़ारे में समझ नहीं पाया। तत्पुरुष साहब ये आप इसे तो सीखा है, सही कहना कि गांव से जब मैं शहर आया तो नज़ारे में समझ नहीं पाया, मैं जो ठहरा गांव का लाला, देखा पड़ोसी ने भांति भांति के कुत्तों को पाला। कि गांव से जब मैं शहर आया तो नज़ारे में समझ नहीं पाया, गांव से जब मैं पहली बार शहर में आया तो यहाँ की जो चकाचौंध, यहाँ का जो रहन-सहन, यहाँ की जो रेलम पेल, ये भागम भाग, जब ये देखा तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। कि गांव से जब मैं शहर आया तो नज़ारे में समझ नहीं पाया, मैं जो ठहरा गांव का लाला, देखा पड़ोसी ने भांति भांति के कुत्तों को पाला। हमारे गांव में तो स्ट्रीट डॉग जिसको कहते हैं बहुत सारे होते हैं, और उनको भी हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उनका भी पेट भराई का कोई साधन हो जाए। उन गाय और कुत्ते के लिए आज भी गांवों में पहली रोटी पहला कौर निकाला जाता है। तो यह हमारी जो पुरातनी जो संस्कृति है जीवों के प्रति दया की, उस दया की जो संस्कृति है उसके प्रति ये भाव होता है। तो गांव से जब मैं शहर आया तो नज़ारे में समझ नहीं पाया, मैं जो ठहरा गांव का लाला, देखा पड़ोसी ने भांति भांति के कुत्तों को पाला। कुत्ते भी एक दो नहीं, पूरे चार। देखा पड़ोसी ने भांति भांति के कुत्तों को पाला, कुत्ते भी एक दो नहीं। कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत हुई। देखा तो पड़ोसी ने भांति भांति के कुत्तों को पाला, कुत्ते भी एक दो नहीं, पूरे चार। अब कुत्तों के साथ आदमी रहता है या आदमी के साथ कुत्ते, मामला समझ से बाहर। डॉक्टर त्रिलोक जी नमस्कार आपका। कि मैंने एक दिन जब सुना भयानक शोर, कुत्ते भौंका करते हैं और जो बाहर से व्यक्ति को अजनबी होता है तो उसके ऊपर वो
भौंकते हैं। मैंने एक दिन जब सुना कुत्तों का भयानक शोर, तो लगा सोचने क्यों भौंकते हैं कुत्ते जब हो चुकी है भोर। यानी कि रात को अगर कोई जानवर निकल रहा हो या कोई अजनबी व्यक्ति आता है तो कुत्ते भौंकते हैं अक्सर, लेकिन सुबह सुबह कुछ जब कुत्ते भौंकने लगे, जगदीश जी को नमस्कार, जब सुबह सुबह कुत्ते भौंकने लगे तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने एक दिन जब सुना कुत्तों का शोर, तो लगा सोचने क्यों भौंकते हैं कुत्ते जब हो चुकी है भोर। देखा तो एक बुजुर्ग आए उसके दरवाजे पर, जो मेरे पड़ोसी थे उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग आए गए। देखा तो एक बुजुर्ग आए थे पड़ोसी के दरवाजे पर और कुत्ते भौंकने लगे उस पर पूरा जोर लगाकर। मुनेश जी को नमस्कार। तो देखा तो एक बुजुर्ग आए थे उसके दरवाजे पर, कुत्ते भौंकने लगे उस पर पूरा जोर लगाकर। कपड़े फटे थे, बुजुर्ग था, चिंता के भाव भाव में कपड़े फटे थे और चप्पल भी नहीं थी पाँव में। वो जो बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग का हाल कि बुजुर्ग था, चिंता के भाव में कपड़े फटे थे, चप्पल भी नहीं थी पाँव में। दिनेश जी को नमस्कार, पांचाल साहब नमस्कार। कपड़े फटे थे, चप्पल भी नहीं थे पाँव में, बुजुर्ग था, चिंता के भाव में। मेरी ही तरह पड़ोसी भी जब घर से बाहर निकला तो देखा दरवाजे पर बूढ़ा उसका बाप निकला। देखिए, जो बुजुर्ग थे वो मेरे पड़ोसी जो थे उनके पिता निकले। मेरी ही तरह पड़ोसी भी जब घर से बाहर निकला तो देखा उसने दरवाजे पर बुजुर्ग उसका बाप निकला। बाप बोला, अब उनके जो बीच में वार्तालाप होती है, क्या होती है कि बाप बोला, बेटा गांव में तेरी माँ बीमार है, बेटा गांव में तेरी माँ बीमार है, शायद वह स्वर्ग जाने को तैयार है, कुछ कर उपाय तू, दिलवा दे इलाज दवा, कुछ दिन चल गांव, तेरी भी बदल जाएगी हवा। हमारे सखा मित्र सुखदेव जी नमस्कार। तो बुजुर्ग उनको क्या कहता है, बुजुर्ग कहता है कि गांव में तेरी माँ बीमार है, शायद वह स्वर्ग जाने को तैयार है, कुछ कर उपाय तू, दिलवा दे इलाज दवा, कुछ दिन चल गांव, तू भी, तेरी भी बदल जाएगी हवा। विशाल नमस्ते। बेटा बड़ा पैसे वाला अपनी अमीरी में मस्त बोला, नहीं मुझे नहीं है फुर्सत, मैं हूं बड़ा व्यस्त। बेटा बड़ा पैसे वाला अपनी अमीरी में मस्त, पुरुषोत्तम नमस्कार, मैं बड़ा हूं बड़ा व्यस्त, मुझे नहीं है फुर्सत, गिड़गिड़ाना बंद करो हर रोज, हम उठा नहीं सकते तुम दोनों का बोझ। तो देखिए ये विडंबना देखिए नए जमाने की, कि बेटा कहता है कि बेटा बड़ा पैसे वाला अपनी अमीरी में मस्त बोला, नहीं है फुर्सत, मैं हूं बड़ा व्यस्त, गिड़गिड़ाना बंद करो हर रोज। भागचंद जी नमस्कार। गिड़गिड़ाना बंद करो हर रोज, हम उठा नहीं सकते तुम दोनों का बोझ, चले जाओ वृद्धाश्रम, फिर न रखना अपने कदम, देखकर तुम्हें हमें आती है शर्म, ये हाल है। विमला जी को नमस्कार। उनको ये कहता है कि वृद्धाश्रम चले जाइए आप, कि चले जाओ वृद्धाश्रम, फिर न रखना अपने कदम, देखकर तुम्हें हमें आती है शर्म। पड़ोसी की पत्नी भी इतने में आई बाहर, पड़ोसी की पत्नी भी इतने में आई बाहर, एक हाथ में ब्रेड, दूसरे में कटोरा दूध भरा था। इतने में पड़ोसी की पत्नी भी आई बाहर, एक हाथ में ब्रेड, दूसरे में कटोरा दूध भरा था, मगर बुजुर्ग तो अपनी किस्मत से ही मरा था। गीता जी नमस्कार। मगर बुजुर्ग तो अपनी किस्मत से ही मरा था, कुत्तों ने खाया बड़े चाव से, बुजुर्ग देखता रहा उन्हें बड़े विचित्र भाव से। व्यर्थ हुई जब याचना, मदद की नहीं रही संभावना, बुजुर्ग के मन की आहत हुई भावना, पिता के दिल पर लगी चोट बड़ी निराशा के साथ बुजुर्ग गया लौट। लौट जाता है बुजुर्ग, अब उसके मन पे क्या होती, क्या बीतती है, उसके मन में क्या ख्याल आते, देखिए। लगा सोचने काश वह भी कुत्ता होता आज। देखिए, जब वो अपनी ही पैदा की गई संतान के यहां से मायूस तिरस्कृत होकर के जब वो लौटता है, श्याम सुंदर जी को नमस्कार, तो वह कहता है, लगा सोचने काश वह भी कुत्ता होता आज, तो अपने बेटे के घर में उसका भी होता राज, जहां चार चार कुत्ते पल रहे हो,
ज्ञान प्रकाश जी को नमस्कार। तो लगा सोचने, वह भी कुत्ता होता आज तो अपने बेटे के घर में उसका भी होता राज। माननीय आर्य साहब उदयपुर से नमस्कार। तो उसका भी बेटे के घर में होता राज, गर्मी में कूलर एसी चलता, गर्मी में कूलर एसी चलता, सर्दी में मिलती रजाई, खाने की नहीं रहती कमी और मिलती दूध मलाई, शैम्पू से होता मेरा नहाना धोना। जो पेट्स पालते हैं वो अपने कुत्तों को शैम्पू से नहलाते हैं कि शैम्पू से होता मेरा नहाना धोना, मेरे लिए खुला होता घर का हर एक कोना, बेटे बहू भी करते दुलार, पास बैठा कर सहलाते बाल, बेटे बहू भी करते दुलार, पास बैठा कर सहलाते बाल, मेरी सेहत का सब रखते ख्याल, छींक भी आ जाती तो तुरंत होता इलाज, और बेटा भी छुट्टी ले लेता छोड़कर अपने सारे काज। ये बुजुर्ग सोचता है, बुजुर्ग ये अफसोस क्या करता है कि बूढ़ा हो चला अब नहीं जवान हूं मैं, कि बूढ़ा हो चला अब नहीं जवान हूं मैं, अफसोस कुत्ता नहीं इंसान हूं मैं। अपने इंसान होने के ऊपर वह व्यक्ति अफसोस करता है, अपने बुढ़ापे की स्थिति संतान के द्वारा तिरस्कृत होने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बूढ़ा हो चला अब नहीं जवान हूं मैं, अफसोस कुत्ता नहीं इंसान हूं मैं। अरे कुत्तों की किस्मत से, कुत्तों के पालने से नहीं परेशान हूं मैं। जो लोग राकेश नमस्ते, जो लोग कुत्तों को पालते हैं, पेट्स पालते हैं, तो उसके लिए बुजुर्ग कहता है कि अफसोस कुत्ता नहीं इंसान हूं मैं, कुत्तों के पालने से नहीं परेशान हूं मैं। अरे कुत्तों की किस्मत से नहीं, मैं इंसान पर इंसान की बेरहमी से हैरान हूं मैं। अफसोस कुत्ता नहीं इंसान हूं मैं, कुत्तों के पालने से नहीं परेशान हूं मैं, कुत्तों की किस्मत से नहीं, पवन भाई साहब को प्रणाम, कि कुत्तों की किस्मत से नहीं इंसान पर इंसान की बेरहमी से हैरान हूं मैं। कुत्तों के शौक से मुझे कोई शिकायत नहीं है, कुत्तों के शौक से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर इंसान को इंसान से क्यों मोहब्बत नहीं है, मगर इंसान को इंसान से कुत्तों जितनी भी क्यों चाहत नहीं है। अफसोस स्वान नहीं इंसान हूं मैं, अफसोस स्वान नहीं इंसान हूं। अब ये हमारे समाज की वेदना है। राजेश जी नमस्कार। इस वेदना को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिटा सकते हैं, यह हम सब की साझी जिम्मेदारी है। एक व्यक्तिगत तौर पर हमारी हमारे माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है, लेकिन समाज में इस तरह की स्थितियां नहीं बने इसके लिए हमें सामूहिक तौर पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और ऐसा चिंतन कब आएगा? ऐसा चिंतन जब तभी आ सकता है जब हम सद साहित्य पढ़ें, जब हम खुद हमारे बुजुर्गों को, हमारे माता पिताओं को सम्मान दें, उनका देखभाल करें, उनकी जरूरत के समय हम उनके साथ खड़े रहें, भावनात्मक तरीके से हमारा उनका लगाव हो। तो निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी है वह पीढ़ी भी इन चीजों की एक ट्रेनिंग लेगी, अपने सामने जो चीजें घटती हुई देखेगी तो उनके जहन में भी ये सवाल उठेगा, जहन में भी ये चीजें आएगी। तो इसी भावना को लेकर के ये मेरी पुस्तक, मैं माँ से प्यारा नाम नहीं, आदरणीय इंदु शेखर जी तत्पुरुष साहब के मार्गदर्शन में ही इस पुस्तक को हमने प्रकाशित किया। आदरणीय मायामृग जी भाई साहब के बोधि प्रकाशन से ही इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ और इसके 3 संस्करण आ चुके हैं, अब चौथे संस्करण की तैयारी भी है। अब मैं मेरी एक दूसरी रचना आपके सामने, जो गजल तो नहीं है लेकिन गजल के अंदाज की ही कविता है, उसको गीतिका भी कह सकते हैं। आज सुबह एक मित्र से बात हो रही थी तो कुछ बात प्रसंगवश चल पड़ी तो कुछ यूं ही मुंह से कुछ लाइनें निकली, उनको मैंने आज आप लोगों से शेयर भी किया है कि चेहरे पे रखते नहीं पर्दा नकाब की तरह, कि चेहरे पे रखते नहीं पर्दा नकाब की तरह, हम जिंदगी जीते हैं खुली किताब की तरह। चेहरे पे रखते नहीं पर्दा नकाब की तरह, हम जिंदगी जीते हैं खुली किताब की तरह। महलों के न होने का गम नहीं है हमको, महलों के न होने का गम नहीं है हमको, हम झोपड़ी में भी रहते हैं नवाब की तरह। चेहरे पे रखते नहीं पर्दा नकाब की तरह, हम जिंदगी जीते हैं खुली किताब की तरह।
अब ये जो किताब है और जो दोस्त है, उस प्रसंग को ध्यान में रख करके ये एक दूसरी एक रचना है। ये इसे भी माँ से प्यारा नाम नहीं, पुस्तक से ही है। यह कोई व्यक्ति अपने किस अंदाज में जी सकता है, जीवन जीने के सबका अपना अपना प्रयास है और सारे प्रयास ही अच्छे होते हैं। आदरणीय गोवर्धन जी भाई साहब भी जुड़े हैं, मालपुरा से एडिशनल एसपी साहब। तो ये जो आप सभी दोस्तों को समर्पित है, आप जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और राजकीय सेवा के माध्यम से और साहित्यकारों में जो कलम के माध्यम से संपर्क हुआ है, इन सभी माध्यमों से जो आप जुड़े हुए हैं, आप सभी मित्रों को मैं ये समर्पित करता हूँ कि दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है लेकिन जो भी हैं वो लाजवाब हैं। एसपी सिंह साहब नमस्कार आपका, कि दोस्त श्याम सुंदर जी को नमस्कार आप सभी दोस्तों के लिए, कि दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, कि दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ मगर आंखों में ख्वाब रखता हूँ। बंद आंखों के ख्वाब नहीं है, खुली आंखों के ख्वाब है। बंद आंखों के ख्वाब तो नींद लेने पर आते हैं। कि दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ मगर आंखों में ख्वाब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ। सवाल करता हूँ जब भी मैं, सवाल जब भी करता हूँ मैं, उम्मीद में कोई जवाब रखता हूँ। किसी से कोई पूछा है तो उसके लिए ये उम्मीद है कि मेरी कोई जिज्ञासा है उसको वो शांत करेगा, मैं अपना ज्ञान वर्धन करूंगा, क्योंकि मैं तो अनजाना हूँ, अनजाना हूँ इसीलिए तो सवाल करता हूँ। जब भी सवाल करता हूँ मैं, उम्मीद में कोई जवाब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ। दर्द सहा है कांटों का मैंने, दर्द सहा है कांटों का मैंने, हाथों में अपने गुलाब रखता हूँ। दर्द सहा है, अनिल जी को नमस्ते, कि दर्द सहा है कांटों का मैंने, हाथों में अपने गुलाब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ मगर आंखों में ख्वाब रखता हूँ। यों तो पी नहीं है मदिरा मैंने कभी, मैं मदिरा का सेवन मैंने वास्तव में नहीं कभी किया और करूँगा भी नहीं। ये मेरी निजी खान पान की एक हैबिट का विषय है, इसमें कोई उपदेश नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरे जीवन की वास्तविकता है और इसी वास्तविकता को मैं इसी अंदाज में आपके सामने रख रहा हूँ कि पी नहीं है यों तो मदिरा मैंने कभी, कि यों तो मदिरा पी नहीं है मैंने कभी, मगर लबों पे अपने शराब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ मगर आंखों में ख्वाब रखता हूँ। झोपड़ी में रहता हूँ मैं, झोपड़ी में रहता हूँ मैं मगर नाम अपना नवाब रखता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ मगर नाम अपना नवाब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ मगर आंखों में ख्वाब रखता हूँ। गिनती गमों की करता नहीं मैं, मतलब गमों का क्या गिनती यार, जिंदा आदमी है तो कष्ट भी आएंगे पीड़ाएं भी होंगी, लेकिन उनसे भी पार पाना है, उनको देखकर मायूस नहीं होना, क्योंकि जितनी भी कठिनाइयां हैं जितनी भी चुनौतियां हैं किसके सामने आती है, वह केवल और केवल कोई चुनौती नहीं, कोई चिंता नहीं। तो इसलिए जिंदा आदमी के सामने चुनौतियां आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, कष्ट आएंगे, तो कष्ट जब भी आए तब भी हमें उनका स्वागत करना चाहिए और उनसे बाहर निकलने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। आरजी वर्मा साहब को नमस्कार। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गिनती गमों की करता नहीं, गमों की क्या गिनती करनी। डॉक्टर अशोक जहांगीर साहब को नमस्कार, कि गिनती गमों की करता नहीं बस खुशी का हिसाब रखता हूं, कि गिनती गमों की करता नहीं बस खुशी का हिसाब रखता हूं, दोस्त कम रखता हूं मगर लाजवाब रखता हूं। यो उम्र काफी पाई है मैंने, आई एम 53, 53 साल का मैं होने को हूं, तो बस दो जोड़ने के बाद में 55 पर पहुंचने वाले हैं। कि यों तो उम्र पाई है काफी मैंने मगर सिर पे कहां खिजाब रखता हूं, कभी खिजाब लगाया नहीं, न लगाऊंगा।
खिजाब नहीं लगाने के पीछे मेरा अपना, देवीलाल जी को नमस्कार, मेरा अपना यह सोच है कि उम्र की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। गोपाल जी को नमस्कार कि यो उम्र काफी पाई है मैंने, मगर सिर पे कहाँ खिजाब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ मगर आंखों में ख्वाब रखता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ कदम, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ कदम, चाहे मंजिल बेताब रखता हूँ। मतलब मंजिल को पाने के लिए बेताबी रहती है, लेकिन उसके लिए भी सोच समझ कर आहिस्ता 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 कदम बढ़ा रहा हूँ। हाँ जहांगीर साहब, आज जयपुर आया हुआ हूँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, आप देख रहे हैं मेरे ड्राइंग रूम का दृश्य, इसलिए आपको ध्यान है, आप घर पे आए हुए हैं, स्वागत है आपका। कि धीरे धीरे बढ़ाता हूँ कदम मगर चाहे मंजिल बेताब रखता हूँ। मंजिल पाने की जो चाह है वो मन के अंदर बहुत बेताब होती है, लेकिन उसके लिए सोच समझ करके कदम उठाना, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। कि धीरे धीरे बढ़ाता हूँ कदम मगर चाहे मंजिल बेताब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, कम बोलता हूँ मगर अपनी जितनी जरूरत पड़ती है उतना बोलता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ लाइनें लिखी थी कि जरूरत पड़े तो बोला कर, जरूरत पड़े तो बोला कर, और कहने से पहले तोला कर। कि जरूरत पड़े तो बोला कर, कहने से पहले तोला कर, पहले खुद को जांचा कर फिर औरों पर गोला कर। हम दूसरों की गलती निकालते गोला करते हैं कि ये गलत ये गलत, अरे भाई पहले हम खुद को देख लें। कि कहने से पहले बोला कर, जरूरत पड़े तो बोला कर, जरूरत पड़े तो अवश्य बोलना चाहिए, तब हमें मूक भी नहीं रहना चाहिए, और जब जरूरत नहीं हो तब बोलना भी नहीं चाहिए। कि जरूरत पड़े तो बोला कर, कहने से पहले तोला कर। अरशद जी को नमस्कार। कि जरूरत पड़े तो बोला कर, कहने से पहले तोला कर, पहले खुद को जांचा कर फिर औरों पर गोला कर, जरूरत पड़े तो बोला कर। तो जरूरत के समय बोलता हूं कि कम बोलता हूं मगर अपनी जुबा पे लबो लबाव रखता हूं। भीलवाड़ा से पारिक साहब को नमस्कार। कम बोलता हूं मगर अपनी जुबा पे लबो लबाव रखता हूं, दोस्त कम रखता हूं मगर लाजवाब रखता हूं, आंखें खुली रखता हूं मगर आंखों में ख्वाब रखता हूं, वक्त नमाजों का नहीं मिला मुझे, वक्त नमाजों का नहीं मिला मुझे मगर दिल में अपने वहाब रखता हूं। वहाब ईश्वर, परमपिता परमेश्वर। शिवराज जी को नमस्कार। कि वक्त नमाजों का नहीं मिला मुझे मगर दिल में अपने वहाब रखता हूं, दोस्त कम रखता हूं मैं ख्वाब रखता हूं। कि ना समझ हूं थोड़ा, ना समझ हूं थोड़ा, मैं ना समझ तो हूं ही लेकिन समझ आप दोस्तों से लेता हूं सीखता हूं। कि ना समझ हूं थोड़ा मैं मगर हाथ में ज्ञान की किताब रखता हूं, दोस्त कम रखता हूं मगर लाजवाब रखता हूं, आंखें खुली रखता हूं मगर आंखों में ख्वाब रखता हूं। कि इनाम की चाह नहीं रखता मगर, इनाम की चाह नहीं रखता मैं, बस खुददारी का खिताब रखता हूं, जो खुददारी है यही मेरा इनाम है। इनाम की चाह रखता नहीं बस खुददारी का खिताब रखता हूं, दोस्त कम रखता हूं मगर लाजवाब रखता हूं, कम पसंद किया जाता हूं अक्सर। क्यों क्यों कम पसंद किया जाता हूं? कि कम पसंद किया जाता हूं अक्सर, चेहरे पर कहां नकाब रखता हूं, दोस्त कम रखता हूं मगर लाजवाब रखता हूं, आंखें खुली रखता हूं मगर आंखों में ख्वाब रखता हूं। कि राह की मुश्किलें मालूम है मुझे, राह की मुश्किलें मालूम है मुझे, सो पांव में जूते जुराब रखता हूं, दोस्त कम रखता हूं मगर लाजवाब रखता हूं। कि मेरी उम्र पे न जाओ ए दोस्तों, मेरी उम्र पे न जाओ ए दोस्तों, दिल में अपने शबाब रखता हूं, दोस्त कम रखता हूं मगर लाजवाब रखता हूं, आंखें खुली रखता हूं मगर आंखों में ख्वाब रखता हूं। और आखिरी अंतरा इसका कि अश्क कभी गिराता नहीं। क्या अश्क गिराना भाई, चुनौतियां आई है ना, चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। कि अश्क नहीं गिराता कभी, अश्क कभी गिराता नहीं,
यो आंखों में अपने सैलाब रखता हूँ और अपने उसूलों पर जीता हूँ। कि अपने उसूलों पर जीता हूँ, आदत यही खराब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ, आंखें खुली रखता हूँ मगर आंखों में ख्वाब रखता हूँ, दोस्त कम रखता हूँ मगर लाजवाब रखता हूँ। तो ये आप सभी दोस्तों की नज़र, आप सभी दोस्तों को समर्पित मेरी रचना, दोस्त कम रखता हूँ, लेकिन आप जितने भी मेरे दोस्त हैं सब हीरे माणिक से भी महंगे हैं। आप सब लोगों से जो संबल मिलता है, जो प्रेरणा मिलती है, जो हौसला अफजाई आप लोग करते हैं, जो प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, इसके लिए मैं आप सब का दिल से कृतज्ञ हूँ। और आप सब के लिए मैं दुआएं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, आप सबके घर में खुशहाली हो और हम समाज में, देश में, प्रदेश में अच्छे मूल्यों को हम प्रसारित करें और अच्छे मूल्यों को हम बढ़ाएं। हम हमारी वाणी के जरिए अच्छे मूल्यों को बढ़ाएं, कलम के जरिए अपने अच्छे मूल्यों को बढ़ाएं। हम जहाँ कहीं भी बैठें अच्छी चर्चा करें। नकारात्मक पहलू भी हैं, उन नकारात्मक पहलुओं पे हम सकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित करें, ज़्यादा प्रसारित करें, तो निश्चित रूप से हम कुछ सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप सब ने इसके लिए समय निकाला, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं जन सरोकार मंच टोंका दिल से कृतज्ञ हूँ कि आपकी वजह से मैं इतने सारे दोस्तों से मुखातिब हो सका। अजय कुमार जी को नमस्कार, शिवराज जी को नमस्कार, आप सब ने बजरंग लाल जी वर्मा साहब को नमस्कार। आपने समय निकाला और इन रचनाओं को सुना, प्रतिक्रिया दी, इसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार आपका। जो लोग सीधे जुड़ नहीं सके, फेसबुक पर इस वीडियो को देख सकेंगे और उम्मीद है आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह मिलेगा। और अच्छा, मुझे आदेश मिला है देवेंद्र जी जोशी साहब से कि कुछ और भी मैं सुना सकता हूँ, तो चलिए आपने कहा है तो कुछ सुना दें। चलिए, अब रैंडमली कुछ विचार निकले हैं तो ये सुनाता हूँ। जीवन पानी का बुलबुला। हाँ, जागीर साहब कह रहे चाय, चाय के लिए स्वागत है, बिल्कुल चाय पिलाएंगे। देश को तो चाय बहुत महंगी पड़ रही है लेकिन आपको जरूर पिलाएंगे। जीवन पानी का बुलबुला ये कविता है। मैं इस कविता का आपको एक प्रसंग बताता हूँ कि ये कविता मैंने कब लिखी। ये बात है 4 मई 2012 की बात है। मेरे सगे मामा जी आदरणीय मोहनलाल जी पटेल साहब का स्वर्गवास हो गया था। मेरे मामा जी मुझसे बहुत स्नेह रखते थे, मैं भी उनका बहुत उनको मैं सम्मान और श्रद्धा के साथ उनके साथ मैं रहा हूँ। मैं उनके यहाँ रह करके मैंने कुछ पढ़ाई भी की है और मेरे में बहुत सारे गुण मामा जी से भी आए हैं, माँ से भी आए हैं। तो जब मामा जी का दाह संस्कार हम कर रहे थे, ये कविता उस समय मेरे जहन में आई और जब मैं वहाँ से लौट करके आया तो मैंने कलम से ये मैंने कुछ लिखा जो मैं आपको आपके सामने मैं उनका वाचन कर रहा हूँ। जीवन पानी का बुलबुला, तो ये उसको मैंने केवल लिखा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में ढालने की कोशिश भी की है। जीवन पानी का बुलबुला जगा अपने जमीर को, इसे नहीं तू सुला। अपने जमीर को जगा के रखना चाहिए, उस पर भी मेरी एक कविता है, उसकी कुछ लाइनें मैं प्रसंगवश जमीर सबसे यहाँ ध्यान आई मुझे कि महंगी हर चीज खरीद सकता है बंदे, महंगी हर चीज खरीद सकता है बंदे, बिक नहीं सकता इंसान अगर जिंदा है जमीर बंदे। तो जिसका जमीर जिंदा है वो इंसान बिक नहीं सकता। खरीदार तो मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो खुद नहीं बिकेगा जिसका जमीर जिंदा है। तो जीवन पानी का बुलबुला जगा अपने जमीर को, इसे नहीं तू सुला। जीवन पानी का बुलबुला जगा अपने जमीर को, इसे तू नहीं सुला। साथ न चलेगा साया कोई। हाँ, पारिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीवन की वास्तविकता ये है, कब क्या घटित हो जाए किसी को नहीं मालूम। और आजकल जो कोरोना संकट है, COVID-19 को लेकर जो महामारी दुनिया भर में व्याप्त है, उस जीवन की क्षण भंगुरता है, अनिश्चितता बहुत शिद्दत से हम लोग महसूस करते हैं फिर से
विश्वव्यापी, अदरवाइज तो हम कभी कभी महसूस करते हैं, लेकिन आज यह क्षण प्रति क्षण दिन प्रतिदिन महसूस होता है कि क्या घटित हो जाए। तो जीवन पानी का बुलबुला, जगा अपने जमीर को इसे तू नहीं सुला, जीवन पानी का बुलबुला। साथ न चलेगा साया कोई, काम न आएगी माया कोई। साथ न चलेगा साया कोई, किसी का भी साया साथ नहीं जाना है कि साथ न चलेगा साया कोई, काम न आएगी माया कोई। अरे देख पराई दौलत बंदे, कि देख पराई दौलत बंदे, नहीं अपना नहीं मन तू कुल बुला। पराई दौलत देख करके, अरे उसके इतने प्लॉट हो गए, उसके फला मॉडल की गाड़ी आ गई। अरे भाई आ गई तो आ गई, उसने जो कुछ भी किया है वो भुगतेगा। अच्छा किया, आनंद लेने दीजिए, आप भी अच्छा करके आप भी आनंद लीजिए। खैर गलत तरीके से लिया है तो उसकी व्याधि, उसके कष्ट वो भोगेगा। तो दूसरों की दौलत देख करके, धनलाल जी सेराव साहब को नमस्कार। तो दूसरों की पराई जो दौलत है उसको देखकर क्यों मन कुल बुलाना, कि साथ न चलेगा साया कोई, काम न आएगी माया कोई। देख पराई दौलत बंदे, नहीं मन तू कुल बुला, जीवन पानी का बुल बुला। जगा अपने जमीर को इसे नहीं तू सुला, जीवन पानी का बुल बुला, जीवन पानी का बुल बुला। साथ न चलेगा अपना कोई, जितना लालच दुख उतना होई। जो लालच है उस लालच के कारण से इंसान कितना कष्ट भोगता है, और उस लालच के चलते हुए जीवन में जो परेशानी आती है, कई बार तो वो परेशानियां अगली कई पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए सहजता के साथ, सही तरीकों के साथ आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, कि साथ न चलेगा अपना कोई, जितना लालच दुख उतना होई, काम आएगा ईश्वर का नाम। निराकार पर ब्रह्म ईश्वर की मैं मानता हूं, कि काम आएगा ईश्वर का नाम, उसे नहीं तू भुला, जीवन पानी का बुल भुला। जगा अपने जमीर को इसे तू नहीं सुला, जीवन पानी का बुल भुला। अरे गठरी क्यों करे भारी पाप की, गठरी क्यों करे भारी पाप की, अरे जरा कर ले सेवा माँ बाप की। देखिए ये जो माता पिता की जो सेवा है ना, यह बहुत सौभाग्य से मिलती है और हमें करनी चाहिए। और हमें यह सोचना चाहिए कि ये जो बुढ़ापा है, ये जो दिन देखने हैं ओल्ड एज के, ये सबके आने हैं। सदा नहीं रहनी जवानी है, सबकी एक सी कहानी है, हम सबके जीवन की एक कहानी है, बुढ़ापा आना ही आना है। तो बुढ़ापे में यदि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा। इसलिए कि गठरी क्यों भारी करे पाप की, जरा कर ले सेवा माँ बाप की, कर ले याद बचपन को, गोद में जिनकी तू झूला, जीवन पानी का बुलबुला, जीवन पानी का बुलबुला। जगा अपने जमीर को इसे नहीं तू सुला, जीवन पानी का बुलबुला। कि नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, दिल से ना तू बन कंगाल। मतलब दिल से काहे की कंगाल यार, हम कम से कम लोगों के लिए अच्छी दुआएं तो कर सकते हैं। हम किसी को हाथ से कुछ नहीं दे सकते, पानी का गिलास भी अगर नहीं पिला सकते कोई बात नहीं, आप किसी को कोई वस्तु दान में नहीं दे सकते, मदद में नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए हम सद्भावना रखें, शुभकामना करें, अच्छी प्रार्थना करें, अच्छी सोच रखें, अच्छी भावना उस रखें। तो ये भी एक ही भावनात्मक तरीके से लोगों की सेवा करना है, एक इमोशनल हीलिंग जिसको बोलते हैं, ये भी है। कैसे मैं जितने भी जो मित्र जुड़े हैं, अधिकांश लोगों को अपने जन्मदिन की मैं इसी अंदाज में देता हूं कि मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपनी जो शुभ भावना है, जो अपनी सद्भावना है, अपनी सदइच्छा है, आप तक पहुंचाता हूं। तो हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, दिल से ना तू बन कंगाल। अरे दिल से तो कंगाल नहीं बने, नेकी कर कुएं में डाल, दिल से ना तू बन कंगाल, याद आएंगे तेरे उपकार।
याद आएंगे तेरे उपकार, जाएगा जब तू सबको रुला, जाएगा जब तू सबको रुला, जीवन पानी का बुलबुला, जीवन पानी का बुलबुला, जगा अपने जमीर को इसे तू नहीं सुला। कि मन की गांठें खोल ले मनोज, नमस्ते, कि मन की गांठें खोल ले, हंस के थोड़ा बोल ले, मन में कुटिलता क्या रखना यार, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप और हम यदि कुटिलता रखेंगे तो हमारे भीतर कलुष कसाई को ही हम पैदा करेंगे। तो इसलिए कि मन की गांठें खोल ले, हंस के थोड़ा बोल ले, जीवन को तू बना मधुर, वाणी में जरा शहद गुला। रेणु शब्द मुखर मैडम, नमस्कार आपका। कि जीवन को तू बना मधुर, वाणी में जरा शहद गुला, जीवन पानी का बुलबुला, जीवन पानी का बुलबुला, जगा अपने जमीर को इसे तू नहीं सुला। अरे क्यों कुरेदता है घाव को, अरे जो हुआ सो हुआ, उसको काहे को बीती, जो अप्रिय बात है, कष्टकारी बात है, उसको काहे को हम वापस से जिंदा कर रहे हैं। कि क्यों कुरेदता है घाव को, क्यों जीता है तनाव को। चिंता से तनाव पैदा होता है और चिंतन से समाधान निकलता है। कि क्यों कुरेदता है घाव को, क्यों जीता है तनाव को, मन को हल्का कर ले जरा, मन को हल्का कर ले जरा, दरवाजा दिल का रख खुला, जीवन पानी का बुलबुला, जीवन पानी का बुलबुला, जगा अपने जमीर को इसे तू नहीं सुला। मोहनलाल जी ठाकुर साहब नमस्ते आपको। कि अमन की बयार बहने दे, रिश्तों में प्यार रहने दे, कि अमन की बयार बहने दे, रिश्तों में प्यार रहने दे, आखिर काम आएंगे अपने ही, आखिर काम आएंगे अपने ही, अपनों से ना तू मुंह फुला। अरे अपनों से काय का मुंह फुलाना भाई, अपने तो अपने हैं, नाराजगी भी होती है, मिल बैठ के दूर कर लीजिए। कि अब आखिर काम आएंगे अपने ही, अपनों से ना तू मुंह फुला, जीवन पानी का बुलबुला, जगा अपने जमीर को इसे तू नहीं सुला। कि जीवन पानी का बुलबुला, कि खुद को बनाकर रख निश्चल, यही भोगेगा कर्मों का फल, कष्ट पीड़ाएं सारी यही भोगनी है हमें। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका परिणाम तत्काल मिल जाता है। मैंने पानी का ग्लास उठाया, मुंह पे लगाया, पानी पिया, प्यास बुझ गई, तत्काल परिणाम मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे काम होंगे, आज मैंने पौधा लगाया, हो सकता है 3 महीने बाद में फसल आ जाए, गेहूं आ जाए, बाजरा आ जाए, जो भी फसल बोई उसका मैंने फल तब मिलेगा। कोई आम का पेड़ लगाया, हो सकता है 3 साल बाद में फल मिले। तो लेकिन फल यही भोगने हैं, अच्छा करेंगे अच्छा भोगेंगे। खुद को बनाकर रख निश्चल, यही भोगेगा कर्मों का फल, छोड़ हिसाब खुदा पे सबका। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों की गलतियां निकालते हैं और वहीं पर हम लोग दिक्कत में आते हैं भावनात्मक तरीके से। अजय जी नमस्कार। तो वो किसी ने कहा है कि यो मेरे ऐब को तू बेनकाब न कर। अक्सर होता ना कि फलाने में ऐसा है, उसमें ये बुरा है, उसमें ये बुरा है। अरे छोड़ो यार, कि यो मेरे ऐब को तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब न कर। कि यो मेरे ऐब को तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब न कर, मैं बुरा ही सही रे देखने वाले, तू तो नजर खराब न कर, तू तो नजर खराब न कर। तो जो बुराई देखने वाले हैं उन लोगों से उन लेकर के बैठ जाते हैं उसके तोलने के लिए, कि उसके जजमेंट हम करने लग जाते हैं। कि छोड़ हिसाब खुदा पे सबका, अपनी नहीं तू लगा तुला, जीवन पानी का बुलबुला, जीवन पानी का बुलबुला, जगा अपने जमीर को इसे तू नहीं सुला। कि जी ले आज के वक्त को, जला नहीं अपने रक्त को। क्यों खून जलाना भाई, जो आज है उसको जी लो आनंद के साथ। कि जी ले आज के वक्त को, जला नहीं अपने रक्त को। कि जी ले आज के वक्त को, जला नहीं अपने रक्त को, ले भलाई रख याद खुदाई, ले भलाई, सुनीता जी को नमस्कार। कि ले भलाई रख याद खुदाई, जाने खुदा कब ले बुला, ईश्वर का पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो इसलिए हमें आज को जीना है, भलाई हो सके तो करना है,
बुराई किसी के करने से कुछ नहीं हासिल होगा, और हम उस परम पिता परमेश्वर को, हम उसको जरूर याद रखें कि ले भलाई रख याद खुदाई, जाने खुदा कब ले बुला, जीवन पाने का बुल बुला, जीवन पाने का बुल बुला, जमा जगा अपने जमीर को इसे तू नहीं सुला, जीवन पाने का बुल बुला, जीवन पाने का बुल बुला। आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब नमस्कार। मेरे ख्याल से आपकी जो समय सीमा है वो पूर्ण हो गई है, और आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी आप सभी दोस्तों से विदा लेना चाहूँगा, और जन सरोकार मंच टोंक जो समय समय पर विभिन्न कला प्रेमी व विभिन्न जो सृजन धर्मी लोग हैं, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो विविध कला के माध्यम से हो, उन सब लोगों को फेसबुक के माध्यम से सामने लाते हैं, उनकी रचनाएं, उनकी कला, उनका साहित्य लोगों के सामने आता है, तो निश्चित रूप से उनकी हौसला अफजाई तो होती ही होती है, और समाज में कुछ अच्छा फैलता है। पवन कुमार जी को नमस्कार। आदरणीय जी पी पारिक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत भावपूर्ण अपने कमेंट्स में देख रहा हूँ, आप सब लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मैं फिर आप सब लोगों से मुखातिब होऊंगा। जल्दी ही हम लोग फिर से मिलेंगे, फेसबुक के जरिए भी और दूसरे माध्यमों से भी हम लोग संपर्क में रहेंगे। आप सब ने मुझे सुना, समझा, वक्त दिया, आपका स्नेह दिया, इसलिए जन सरोकार मंच टोंक आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब और सभी मित्रों का मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, और आप सब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।